फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आई होप आपने हमारी लास्ट रेजोल्यूशन वाली वीडियो जरूर देखी होगी और मुझे पता है कि आपने भी कोई ना कोई रेजोल्यूशन बनाया ही होगा। माधव, आप इतने अपसेट क्यों हो? भैया, पापा ने मुझे कहा था कि वो मुझे टॉय दिला कर देंगे, लेकिन उन्होंने कहा अब कि वो नहीं दिला कर देंगे। ये तो है ना कोई बात होती है, इसलिए मैं उनसे गुस्सा हूँ और अपसेट। फ्रेंड्स, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है? कभी कभार आप भी छोटी छोटी बातों पे नाराज और गुस्सा हो जाते हो? फ्रेंड्स, आज की वीडियो जरूर देखना। लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, आजकल हम सबके साथ भी ऐसा होता है कि हम छोटी छोटी बातों पे एंग्री या सैड हो जाते हैं, बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे हमारी परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लेके आए हैं ऐसे पॉइंट्स जो आपको यूज करने हैं जब आप एंग्री या सैड हो। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। से भी नाराज हो? हाँ, मैं हूँ। अच्छा माधव, मुझे एक बात बताओ, आपको कहाँ तक काउंटिंग आती है? 500 तक। 500 तक? तो आप ऐसा करो कि मुझे आप 10 तक काउंटिंग सुना दो। मुझे नहीं सुनानी। मैं एक बात प्लीज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैं ऐसे नहीं, ऐसे 1, 2 ऐसे सुनाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखा फ्रेंड्स, ये सबसे इफेक्टिव मेथड है। जब भी आप एंग्री या सैड हो तो आपको 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग करनी है, वो भी स्लोली स्लोली। उससे आपका ध्यान पूरी तरह काउंटिंग पे चला जाएगा और आप बेटर फील करोगे। समझे माधव? इसलिए गुस्सा नहीं, 10 तक काउंटिंग करना। ओके भैया। माधव, सैड नहीं होते। भैया मुझे नहीं पता, मुझे टॉय चाहिए तो चाहिए। अच्छा अच्छा, ले देंगे टॉय। पहले आप 1 ग्लास पानी पियो। भैया, अब थोड़ा सा बैटर लग रहा है। पापा अब टॉय नहीं लेके देंगे तो नेक्स्ट टाइम ले देंगे। फ्रेंड्स, ये मेथड मेरी मामा हमेशा यूज करते हैं। पानी पीने से हमारा ब्लड फ्लू बेटर हो जाता है और अब काम हो जाती है। समझे माधव? हाँ जी भैया। तो अब जब आप सैड हो तो आपको क्या करना है? 1 ग्लास वाटर पी लेना है। Yes, माधव। माधव, सैड नहीं होते। नहीं भैया, हमेशा पापा मेरे बारे में टॉय ट्रांसफर कर देते हैं। अच्छा अच्छा, मैं पापा से बात कर लूंगा। पहले मुझे एक बात बताओ कि जब हम मनाली गए थे तो आपको क्या मजा आया था मनाली में? जब मैंने स्नो से खेला था, ये थप्पा ये थप्पा। और माधव, आपको याद है हमने याद पे भी राइडिंग की थी? हाँ जी भैया, मुझे याद है। और हमने बोट पे भी राइड की थी। हाँ जी भैया, उससे तो मुझे बहुत मजा आया था। और हम बड़े बड़े पार्क गए थे जहाँ पत्थरों पे उछल रहे थे। हाँ जी भैया, हम दोबारा चल सकते हैं। अच्छा अच्छा माधव, कोरोना वायरस के बाद। तो देखा फ्रेंड्स, जब भी कोई एंग्री या सैड हो तो हमें उससे ऐसी बातें करनी चाहिए जिससे वो हैप्पी हो जाए। माधव, आप हैप्पी हो ना? हाँ जी भैया। अच्छा,
टाइम। अच्छा ठीक है बोलो। मैडम आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे नहीं मैडम, स्लोली स्लोली करो। मैडम वन टाइम और। अब मैं नहीं करूंगा। मैडम प्लीज प्लीज वन टाइम और। मैडम वन टाइम और गोल। मैडम लास्ट टाइम करो। बेटर फील हो रहा है? हाँ जी भैया। फ्रेंड्स जब भी आप एंग्री या सैड हो तो आप लॉन्ग और स्लोली स्लोली ब्रीदिंग करो, जिससे आपका मूड रिफ्रेश हो जाएगा। समझे माधव? हाँ जी भैया। या अब आप क्यों नाराज हो? और जब भी मैं टीवी देखने बैठता हूँ, जब भी मैं कुछ खेल रहा हूँ, लेकिन पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। हाँ तो भैया पढ़ाई करना तो अच्छी बात होती है, तो पूरे दिन थोड़ी ना मैं पढ़ाई कर सकता हूँ। हाँ तो भैया आज मैं आपके लिए मम्मा से लूंगा बदला। मम्मा से बदला? वो कैसे? ना बदला मैं, आहा, ना बदला वो, आहा, ना बदला तू। अगर कुछ बदला है तो सिर्फ तुम, वक्त ये वक्त है बदला। पहले था कबूतर अब है ट्विटर, पहले थी बुक अब है फेसबुक, पहले था टेलीग्राम अब है इंस्टाग्राम, पहले थी जादू की जप्पी अब है वीडियो कॉल पे अप्पी। यही सोचकर मैंने पिछला डगला मम्मा से बदला लेने का हुक्म रख दिया। अब मम्मा से बदला 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 सैड हो तो हमें क्या क्या पॉइंट्स करने चाहिए, चलो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। लॉन्ग ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, वन से लेकर टेन तक काउंटिंग करनी चाहिए, कुछ ऐसी बातें याद दिलानी चाहिए जिससे वो हैप्पी हो जाए, वाटर पीना चाहिए और लास्ट मैडम आप बताओ उसका मूड चेंज कर लेना चाहिए। फ्रेंड्स बताओ कैसे? बदला 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 बदला। फ्रेंड्स आई होप you like our video. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you for watching.